सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज से हम कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। सोर वर्सेस स्क्वाड का टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हैं, और चार टिप्स देंगे पर वीडियो में, चार टिप्स ही रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले बात करते हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड की कंडीशन की। तो सोलो वर्सेस स्क्वाड की कंडीशन कब आती है, जब या तो आप रैंक पुश कर रहे हो, रैंक पुश कर रहे हो तो आपके तीनों बंदे निपट चुके हों और फिर बस आप बचे हो, तो इस कंडीशन में सोलो वर्सेस स्क्वाड किया जाती है। और फिर कभी टूर्नामेंट जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर हो उसको पता होगा, अगर सारे बंदे मर जाते हैं तो एक बंदा खाली सर्वाइव करने के लिए बचता है। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है ना फ्री फायर पे, तो वो होती है सर्वाइव। अगर आपके पास सर्वाइव करने की जो माइंडसेट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आप एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर काफ़ी अच्छे तरीके से स्पोर्ट्स में खेल सकते हो। और स्पोर्ट्स में जितने भी सारे मैचेस होते हैं सबके सब सर्वाइव बेस पे होते हैं, किल बेस पे बहुत कम होता है। बिकॉज किल करोगे तो कहीं ना कहीं आप भी निपटे जाओगे, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सर्वाइव की। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सोलो वर्सेस स्क्वाड की टिप्स पे। सबसे पहले बात होती है लैंडिंग पोजीशन, देन उसके बाद आता है सिचुएशन मतलब बंदे की पोजीशन, देन फाइटिंग, देन उसके बाद इंटेलिजेंसी बंदों को भटकाने का तरीका। तो सबसे पहले बात करते हैं लैंडिंग पोजीशन की। तो लैंडिंग पोजीशन सबसे पहले ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पे आपको उस जगह का पता हो। जैसे मैं पीक में अगर लैंड कर रहा हूँ तो पीक के नीचे वाले घर पे मुझे उसका पूरा लोकेशन पता है कि वहाँ पे गन मिल जाएगी नहीं मिल पाएगी। देन उसके बाद आती है सिचुएशन मतलब बंदों की पोजीशन। अब आप गन भी लूट कर ली, सब कुछ कर ली, तो अब आपकी बारी आती है कौन सी बंदों से फाइट लेने की। तो उस समय बंदे की सिचुएशन मतलब बंदे की पोजीशन, सामने वाले स्क्वाड की पोजीशन का पता रहना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सामने से ही रश कर दोगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज सारे के सारे बंदे अगर आपके ऊपर रश कर दिए तो आपका बचना बहुत ही मुश्किल है। तो टिप नंबर यही था कि आप बंदे की पोजीशन पहले स्पॉट कर लें, उसके बाद देन उसके बाद होता है फाइटिंग सीन। जब दो स्क्वाड एक दूसरे से लड़ रहे हों या फिर आप से कोई किसी स्क्वाड की फ़ाइट स्टार्ट हो गई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप ना एक एक बंदे को ले कवर ले लेके, और वो भी एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कवर लेके आप हर एक बंदे को निपटा सकें। ऐसा नहीं कि अगर सारे के सारे बंदे आ रहे हैं एक साथ रश कर तो मतलब कोशिश कर रहे हैं कि पूरी पूरी बंदे निपटाने के, तो नहीं हो पाएगा भाई। आपका एक का डैमेज और वहाँ पर चार का डैमेज काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो आप यही है कि आप जब भी फाइट करें तो कवर लेके फाइट करें, एक अच्छे स्ट्रॉन्ग कवर, और जितना ज़्यादा हो सके बंदों को घुमा फिरा कर ही मारें। बिकॉज जितना ज़्यादा घुमा फिरा के मारोगे तो बंदों को समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे होगा। देन उसके बाद फोर्थ नंबर आता है कि आपका इंटेलिजेंसी। देन फोर्थ नंबर इंटेलिजेंसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे चार बंदों की थिंकिंग और आपकी एक बंदे की थिंकिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वो बंदा क्या सोच रहा है, किस माइंड सेट से खेल रहा हो, और फिर आप किस माइंड सेट से खेल रहे हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कैसे आएगा, आप जितना ज़्यादा सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलोगे उतना ही ज़्यादा आपका माइंड उसके लिए प्रिपेयर होगा। तो ये चार टिप्स ध्यान रखिए। सबसे पहले है लैंडिंग पोजीशन, देन उसके बाद होता है स्पॉट बंदूक की स्पॉटिंग करना, देन उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है फाइट, एंड देन उसके बाद होता है बंदूक को घुमाना, घुमा घुमा कर मारना। आई होप ये चार पॉइंट आपको हेल्प करें, और अगर ये चार पॉइंट आपको वाकई में हेल्प करेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कौन कौन सोलो वर्सेस स्क्वाड ट्राई किया है अभी तक, वो भी बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।